में बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी और वेनिला आइसक्रीम, जिसके लिए 100 ग्राम्स मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लिया है। उसे मिक्सी ग्राइंडर में डाल के बिना शक्कर और पानी ऐड किया हम इसे ग्राइंड कर देंगे, तो मैंने कर दिया है। अब हम लेंगे यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम। 1 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम यूज़ किया है, उसमें मैंने 1/2 कप मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर मिलाकर हमें इससे इतना इलेक्ट्रिक बंडल से ब्लेंड करना है जितना ये डबल हो जाए। तो इस तरीके से हमें इसे डबल करके ब्लेंड कर लेना होगा। तो मैंने यहाँ कर लिया है सेम यही टेक्स्चर। फिर यहाँ पर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक जो है मैं वो डबल लेयर बना रही हूँ, तो एक जो साइड रहेगी वो वनीला की रहेगी। तो यहाँ पर जो है जो सेकेंड पार्ट में मैंने डिवाइड किया उसमें वनीला एसेंस हम डाल लेंगे करीबन 1 टेबल स्पून, एंड सेकेंड पार्ट में हम स्ट्रॉबेरी का प्यूरी ऐड कर देंगे। एंड उसके बाद वापस से 1 मिनट के लिए हम ब्लेंड कर लेंगे। एंड अब ये रेडी है आइसक्रीम जमाने के लिए। तो इस तरीके से पाइपिंग बैग में डालकर अब एक साइड जो है वो स्ट्रॉबेरी का आइसक्रीम का बैटर डाल दीजिए, सेकेंड साइड आप वनीला आइसक्रीम। आप चाहो तो इसे मिक्स करके भी डाल सकते, बट मैंने साइड साइड में रखी। थोड़ा सा टैप कर लीजिए ताकि ये लेवल हो जाए। फिर एल्युमिनियम फॉइल में डाल के ओवरनाइट के लिए आप इसे रख दीजिए रेफ्रिजरेटर में। सो मैंने यहाँ रख दिया था, मैंने ही रात में बनाया था। सुबह में मैं जब निकाली थी बहुत अच्छे से जम गई थी। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसका लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप इस तरीके से लेयर्स में काट सकते हैं या स्कूप में भी आप इसे निकाल सकते हैं। दोनों तरीका मैंने आपको बताया है, दोनों तरीके से आप इस आइसक्रीम को सर्व कर सकते हैं। आइसक्रीम का टेस्ट और उसका टेक्स्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा, नेचुरल स्वीट, बहुत ही ज़्यादा आप पसंद करेंगी अगर आप इसे ट्राई करेंगे घर में, तो बहुत जल्दी क्विक बन जाती है। सो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, टिल नेक्स्ट टाइम।